गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 12 हिंदी मीडियम का नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक। अब आप देखिए, उपसह संयोजक यौगिक को जब आप समझेंगे तो उसमें आपको क्या है कि आपको उपसह संयोजक यौगिक समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा वीडियो है, कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। पहला आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। उपसह संयोजक यौगिक का मतलब है कि जिसमें उपसह संयोजक यौगिक को समझने से पहले हमको किस बारे में पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए आयनिक यौगिक के बारे में, फिर सहसंयोजक यौगिक के बारे में, ठीक है, और फिर उपसह संयोजक यौगिक के बारे में, उपसह संयोजक यौगिक के बारे में, ठीक है। आयनिक यौगिक क्या है, हमने सबने पढ़ा है आयनिक यौगिक जो किससे मिलकर बना होता है, आयनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जो आयन है वो आपस में, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। यदि धनायन और ऋणायन के बीच में, अब आपको बताएं एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो दोनों के बीच में पाए जाने वाले बल के कारण, ठीक है, जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो ये जो आयनिक यौगिक बन रहा है इसके बीच में कैसा बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब आयन का जो, आयनिक यौगिक में जो आयन बनते हैं वो किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक, तो आयनिक यौगिक का उदाहरण हो गया NaCl। NaCl क्या है, जब आप इसको तोड़ोगे तो Na आयन बनेगा प्लस Cl आयन बनेगा। एक धनायन है एक ऋणायन है, दोनों के बीच में दो आयन बने हैं। आयन कैसे बने हैं, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है, और Cl जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। और दोनों के बीच में पाए जाने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से यदि दो विपरीत आवेश के आयन बंधे होते हैं तो आयनिक यौगिक बनता है। अब आपके पास आगे सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों होता है, अष्टक को पूर्ण करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे एक सीएल ये है, एक सीएल ये है, आपको पता है सीएल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह और एक सात, और यहाँ पर भी सात होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के साझा से जो बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंध बनता है वो सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। अब उसके बाद आता है आपके पास उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब उपसहसंयोजक यौगिक में देखिए क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक में आपके पास पहली बात तो कैसा बंध बनता है, दाता बंध बनता है, दाता बंध, या आप कह सकते हो उपसहसंयोजन बंध, उपसहसंयोजन बंध बनता है, ठीक है। जिसमें एक तो दाता, एक तो परमाणु या अणु कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और एक कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही, दाता के पास देने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और ग्राही के पास क्या है, रिक्त कक्षक है, ठीक है, रिक्त कक्षक है। तो दाता अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देता है, कैसे, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा या दाता बंध के द्वारा। ये तीर के निशान से हम इस बंध को बताते हैं, इसलिए ये कैसा कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। तो उपसहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीच में एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम दाता बंध कहते हैं, या फिर हम उपसहसंयोजन बंध कहते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक में कौन सा बंध होना चाहिए, उपसहसंयोजन बंध होना चाहिए, एक डोनर और एक दाता होना चाहिए, ग्राही होना चाहिए, ठीक है। अब जो ग्राही होते हैं, ग्रहण करने वाले और देने वाले, तो वो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देने वाला, जैसे उदाहरण देखिए, NH3 और BF3, NH3 के पास क्या लोन पेयर है, BF3 इसके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता होगा, तो इनके बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा बंध बनेगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उपसह संयोजक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से जो यौगिक बनेगा वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया उपसह संयोजक बॉन्ड। तो ये तो हमने आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के साथ साथ उपसह संयोजक बॉन्ड पढ़ा। लेकिन जब हम अब यहाँ पर हमारे पास वापस से एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं द्विक लवण। तो अब जो उपसह संयोजक यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये उपसह संयोजक यौगिक वाकई में है क्या? उपसह संयोजक यौगिक वो यौगिक है जिसमें एक धातु किसके साथ जुड़ी हुई है, परमाणु अणु धातु धातु परमाणु अणु परमाणु अणु या आयन से उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। वे यौगिक जिनमें धातु बोल सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अणु और आयन से उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये वाकई में कैसे यौगिक है, योगात्मक प्रकार के यौगिक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं द्विक लवण, एक तो होते हैं द्विक लवण और एक होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, उपसहसंयोजक या आप उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि द्विक लवण क्या होते हैं। द्विक लवण का मतलब जैसे कि नाम से पता पड़ता है जिसमें दो लवण हो, जैसे मैंने लिया KCl.MgCl2.6H2O, एक मैंने KCl लवण लिया, एक MgCl2 लवण लिया, दोनों को 1:1 रेशो में मिला दिया, इसमें पानी में पानी का रेशो मैंने 6 लिया, तो एक प्रॉपर अनुपात को मैंने मेंटेन किया। अब इस केस में ये जो यौगिक बना जिसमें KCl भी है, MgCl2 भी है और जल के अणु भी है, इन तीनों से मिलकर जो बना है दैट इज कॉल्ड द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या है, जिसमें दो लवण, दो अलग अलग प्रकार के लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलकर, जल में घोलकर बनाया जाता है। अब यदि इसको मैं जल में घोलूं तो जल में घोलने पर हमें देखो क्या क्या आयन मिलेगा, पोटेशियम आयन मिलेगा, सीएल आयन मिलेगा, Mg+2 आयन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों आयन मिलेंगे, समझ में आ रहा है, ये तीनों आयन अलग हो जाएंगे पानी में घोलने पर। लेकिन उपसह संयोजक यौगिक देखो कैसा है, उपसह संयोजक यौगिक में ये आपके पास CU है, ये किससे जुड़ा हुआ है, NH3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी NH3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी NH3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी NH3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो अभी अभी मैंने आपको जो परिभाषा बताई है, परिभाषा क्या थी, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कॉपर NH3 का होल 4+2। केंद्रीय धातु परमाणु क्या लिखा है, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु, धातु परमाणु मतलब वही केंद्रीय धातु परमाणु, अणु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु अणु या आयन से, ये क्या है अणु है, अणु से किस बंध से जुड़ा होता है, इन दोनों के बीच में जो बंध होगा वो कैसा बंध होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये देगा और ये लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो बंध बना होता है उसे हम उपसहसंयोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यौगिक है वो तो उपसहसंयोजक यौगिक है। अब आपने मान लो इसको जल में घोला, तो इसको जल में घोलने पर आपको ना तो CU आयन मिलेगा और ना ही अमोनिया मिलेगा, समझ में आ रहा है, जबकि इसको आपने घोला। तो द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण वो होते हैं जो जल में घोलने पर अपनी पहचान खो देते हैं, यहां पर इन्होंने अपनी पहचान को खो दिया, पहचान खो देते हैं, जबकि यहां पर इन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई, पहचान नहीं हुई यहाँ पर इन्होंने, ये बने रहे हैं सच। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको फर्क पता पड़ गया कि उपसहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण कैसे होते हैं। अब आप देखिए कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि
की हमें काम में आती है, मतलब कुछ अलग तरीके के नाम परिभाषाएं जो कि हमें इस पाठ में आगे काम में आएंगी। जैसे जब हम उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं तो अभी अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने यहाँ लिखा K4FeCN का होल 6, अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उपसहसंयोजक यौगिक में क्या होता है, एक को होती है केंद्रीय धातु, क्या होती है केंद्रीय धातु। इस यौगिक में देखो धातु तो दो है, पोटेशियम भी एक धातु है और Fe भी एक धातु है। केंद्रीय धातु कौन है, सेंट्रल में कौन है, Fe है, ठीक है। तो जो केंद्रीय धातु है वो जनरली कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगी, डी ब्लॉक का सदस्य होगा वो, ठीक है। केंद्रीय धातु होती है, केंद्रीय धातु परमाणु अणु या आयन से जुड़ी हुई होती है, इससे जुड़ी हुई है ये, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि उपसहसंयोजक जो यौगिक है उनमें कैसा बंध होता है, एक धातु होती है और एक कोई देने वाला होता है। तो अब आप यहाँ पर देखो ये धातु है और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो इनके बीच में कैसा बंध बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा, CN इलेक्ट्रॉन देगा और Fe इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ग्रहण करने वाला है, वो तो कौन होती है, धातु परमाणु होती है, धातु परमाणु। धातु परमाणु का मतलब जिस धातु को किससे लिखते हैं, मेटल से, जिसका मतलब M, और जो दाता होता है, इलेक्ट्रॉन दाता क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अभी यहां पर लिखा है परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिगैंड। परमाणु अणु आयन जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, उसे हम किससे बताते हैं, एल से। एल माने लिगैंड, जिसके पास दाता परमाणु होते हैं, डोनर साइट होती है जहां से वो धातु से जुड़ सकता है। तो किस किस के बीच में बंध बनता है, मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। ये हो गया, यहां पर समझ में आ रहा है कि लिगैंड क्या है, लिगैंड दाता परमाणु जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है, युग्म है, वो दाता परमाणु कहलाते हैं। एक परमाणु दाता है, एक परमाणु हो सकता है, दो परमाणु हो सकता है, वो अभी हम आगे लिगेंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि धातु परमाणु होता है, मेटल होती है और लिगेंड होता है, दोनों के बीच में कैसा बंध होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उससे संयोजक बंध होता है, ठीक। अब आप देखो यहां पर केंद्रीय धातु, यदि आप हम इसको पानी में घोलेंगे तो अब आप देखो, अभी मैंने बताया था पानी में घोलने पर कैसे टूटेगा, ये 4 पोटेशियम आयन प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, भाई ये टूटेगा पानी में, पानी में तो टूटेगा, लेकिन ये अब ये तो इन दोनों के बीच में तो कैसा बंध है, इन दोनों के बीच में जो बंध है, मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में जो बंध है वो तो आयनिक बंध है, ठीक है। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो बंध है वो कैसा बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, ठीक। तो यहां पर जो बंध है उपसहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध होने के कारण ये उपसहसंयोजक यौगिक कहला रहे हैं। और यहां पर देखो ये जो एनायन, ये धनायन बना, ये ऋणायन बना, तो इस ऋणायन में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये इस लिगैंड से जुड़ी हुई है, तो ये जो पूरी की पूरी चीज कहलाती है इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन मंडल, इसको हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन मंडल, उपसहसंयोजन मंडल, उपसहसंयोजन मंडल कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस यौगिक में ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है उपसहसंयोजन मंडल, और इसके बाहर का पार्ट क्या है, ये पार्ट है आयनिक मंडल, आयनिक मंडल, समझ में आ गया, ठीक। जो उपसहसंयोजन मंडल होता है वो हमेशा कैसा होता है, जटिल प्रकार का होता है, जटिल। जटिल का मतलब देखो इसमें कितने सारे, इसमें तो सिर्फ पोटेशियम अलग से ही है, इसमें देखो 6 और 1 7 7 चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए ये कैसा कहलाता है, जटिल आयन कहलाता है, ये कैसा आयन है, एक जटिल आयन है। तो वे यौगिक जिसमें जटिल आयन उपस्थित होते हैं उन्हें भी हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर आपके पास है उपसहसंयोजन संख्या, फिर आपके पास है, तो मैंने आपको यहां पर केंद्रीय धातु क्या है ये बता दिया, लिगेंड क्या है ये समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या का मतलब कि
कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कितने नंबर से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर आप देखो, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे लिगेंड कितने नंबर से जुड़ा है, 6 नंबर से, यानी ये 6 है। तो उपसह संयोजन संख्या वो होती है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है सीधे तौर पर, सीधे उपसह संयोजन बंध द्वारा, उसे हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो अब आप देखो, अब हमारे पास फिर से दो टर्म आती हैं। एक तो है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा एफ ई सी एन का होल 6 - 4 और एक लिखा सी यू सी आर, सी आर लिखा है एन एच 3 H2O का होल 3 मान लो +4 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो, देखकर पता पड़ रहा है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये क्या है, उपसह संयोजन मंडल है। यहाँ पर भी उपसह संयोजन मंडल है, देखकर पता पड़ रहा है उपसह संयोजन मंडल किसमें होता है, उपसह संयोजन यौगिकों में होता है। केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड है, ये भी केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड एक ही प्रकार का है, यदि एक ही प्रकार का लिगेंड होता है तो उसे हम कहते हैं होमोलैक्टिक यौगिक, और यदि अलग अलग प्रकार का होता है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक यौगिक। ठीक है, एक आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है उपसह संयोजन बहु पॉली बहुफलक, उपसह संयोजन बहुफलक, या फिर आप इसको अब आप देखो, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि अब जो आपके पास उपसह संयोजक यौगिक है इनकी संरचनाएं कितने प्रकार की हो सकती है। देखो क्या होता है, लिगेंड की केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर अंतरिक्ष में व्यवस्था क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाती है। ठीक है, चारों ओर व्यवस्था उपसह संयोजन बहुवल्कीय व्यवस्था कहलाती है। क्या मतलब है इसका, देखो यदि मैंने ऐसे, मतलब इसमें हमें यह देखना है कि लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यदि संरचना ऐसी है, आप इसको ऐसे समझो, आपको ये तभी समझ में आएगा, ये धातु है, ये लिगेंड है। लिगेंड क्या है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ये लिगेंड है, ये सारे लिगेंड है, ये एम है, ये भी एम है, एम माने धातु। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Ml4 लिख सकती हूँ। ये कैसी संरचना बन रही है, कैसी संरचना बन रही है, ये चतुष्फलकीय, जिसको TD से बताते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, यानी धातु के चारों तरफ लिगेंड किस प्रकार से जुड़े हैं, अंतरिक्ष में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं,
धातु तो ये है, मान लीजिए ये धातु है, अब इससे लेकर एक ऊपर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक नीचे जुड़ रहा है, तो चतुष्फल की होगी। अब यदि मैंने ऐसे ले लिया एल 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 और एल, ये भी एम एल फोर है, एम से कितने लिगेंड जुड़े हुए चार, इसकी ये भी एम एल फोर है, लेकिन इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति होगी स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, कैसी होगी वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यदि संरचना ऐसी है यानी हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि लिगेंड धातु के चारों ओर किस प्रकार से अरेंज्ड है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये ग्यारहवीं में पढ़कर आए हैं, आप अपना पुराना कोर्स को उठाएं और एक बार देखें, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोण जो धातु है, मान लीजिए धातु है, एक लिगेंड यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, तो त्रिकोण तो इस प्लेन में है और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और हो सकता है, जैसे एम एल 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 और एल, ठीक है, एक धातु है उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, छह लिगेंड जुड़े हुए हैं, छह लिगेंड जुड़े हुए, तो कैसे लिख सकते हैं ML6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ML6 की संरचना कैसी है, कैसी संरचना है, एक प्लेन है, आप डस्टर को देखिए, ये आपके पास एक डस्टर है, ये एक प्लेन है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु बीच में, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, मतलब इसी प्लेन पर है केंद्रीय धातु परमाणु, तो यहाँ एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, तो ये तो एक ही तल हुआ ना, और एक लिगेंड तल के ऊपर और एक लिगेंड तल के नीचे, ठीक है। तो क्या हो गया ML6 हो गया, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए उपसह संयोजन संख्या कितनी है, छह, इनमें उपसह संयोजन संख्या पूछे तो कितनी है चार, ठीक है। इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ML5 क्योंकि पांच लिगेंड जुड़े हुए हैं, ML5 ये हो गया ML6, ML6 में कितनी होगी, इसको कहते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय का मतलब इसमें अष्टफलक है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम कैसे बताते हैं OH से बताते हैं, OH से, ठीक है। तो लिगेंड की केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर अंतरिक्ष में जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं उपसह संयोजन बहुफलकीय व्यवस्था, ठीक है। उससे हम यदि कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो हम ML4 है, ML5 है, ML6 है, या उसने आपको संरचना दे रखी है तो वो आपसे उपसह संयोजन संख्या पूछ सकता है, आकृति पूछ सकता है, ठीक है। आपको पहचान में आना चाहिए कि उपसह संयोजन यौगिक कैसा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अब यदि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसकी संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, क्योंकि लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, छह, और मैंने आपको बताया था छह लिगेंड जुड़े हुए, संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। यहाँ पर देखो तीन और एक चार, कितने जुड़े हुए हैं चार, तो चार में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो चतुष्फलकीय हो सकती है या वर्ग समतलीय हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम पहचानेंगे कि ये कैसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, तो आप इसको पाठ को अपनी किताब में से पढ़ेंगे। थैंक यू।